स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12.12 फ्रॉम पेज नंबर 351 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है राइट सो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइजेस फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है और आपसे बोला गया है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स और आयंस आ रहे हैं ठीक है, है? इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है सो so, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैटेगराइज करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है तो मेनली न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि जिस पे भी आपके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल फाइल कंसिडर करेंगे राइट और इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं वो स्पीसीज जिनके पास सिक्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ठीक है और वो दो इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है सो यू कैन से कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी जस्ट लाइक बी एफ थ्री ठीक है ये और जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर होती हैं सबसे पहले हम एच एस नेगेटिव देखते हैं अभी मैंने इसके बारे में बात की है कि जिस पे भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा जो वाली पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल फाइल कंसिडर होंगी सो यू कैन राइट न्यूक्लियो फाइल पीसिसन एच एस नेगेटिव आप दो कॉलम बना लो एक में न्यूक्लियोफाइल मेंशन कर दो और एक में इलेक्ट्रोफाइल्स मेंशन कर दो राइट right? सो so, फर्स्ट वाला हमने बता दिया है second, BF3, ठीक है ठीक अगर आप देखो तो बोरोन जो है बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वेलन्स? तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं राइट सो so, तीन इलेक्ट्रॉन जो है ये डेफिनेटली फ्लोरिन के साथ बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लेता है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन इसे अभी भी चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफाइल होगा राइट अब नेक्स्ट देखते हैं सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पर सो so इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल आएगा राइट right? अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन पे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन है राइट right? सो so जिसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हम न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं सो so डेफिनेटली ये सी थ्राइस एन ये न्यूक्लियोफाइल आ गया अब सीएल पॉजिटिव देखते हैं सो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आ रहा है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करेंगे अगेन ये कार्बन जो है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट मींस कि ये जो होल स्पीशीज है ये पॉजिटिव चार्ज एग्जिबिट कर रही है तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O अब H2N और इस पे हमारे पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया विद नेगेटिव चार्ज तो यहां पे नेगेटिव चार्ज मेंशन हो रहा है सो so ये न्यूक्लियोफाइल आएगा सो एच टू एन और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल्स फाइल्स कंसिडर करते हैं राइट सो एनओ टू पॉजिटिव ये अपने नाम से ही क्लियर कर रहे हैं फाइल का मतलब क्या आता है फाइल मींस लविंग और न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस लविंग दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग तो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस लविंग होंगे दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे